करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको खलीफे की नान खताई बनाने का तरीका बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। चलिए अब मैं बताती हूँ कि इसके लिए कौन सी इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर होंगी। ये मैंने 3 कप मैदा लिया है, 1.5 कप चीनी पाउडर फॉर्म में, इसे हम आइसिंग शुगर कहते हैं। इसके लिए हमने 1 अंडे की जर्दी लेनी है। मैंने बादाम रफली चॉप किए हैं, आप चाहे तो इसे साबुत भी रख सकते हैं। और इसके साथ घी मैंने 1 कप लिया है। चलिए अब तमाम चीजों को मिक्स करते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस मैदे के अंदर बेकिंग पाउडर को शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, शुगर, पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, बादाम, आप इसमें अखरोट मूंगफली जो आपको पसंद हो वो आप शामिल कीजिए। अच्छा, जो वनीला एसेंस हैं ये ऑप्शनल हैं, अगर आपको पसंद है तो आप इसमें यूज करें, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको हम थोड़ा सा घी डालकर, मैंने थोड़ा भी इसलिए डाला है जितनी जरूरत होगी हम वो हमें साथ साथ पता चलता जाएगा, फिर हम इसके अंदर और ऐड कर लेंगे। आप इसके अंदर बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं तो इसमें प्योर घी यूज कर रही हूं, आप बटर मेल्ट फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आपने इसको इस तरह इसके आटे की तरह शेप बन जाएगी। ये तकरीबन इसमें 1.5 कप के करीब हमने घी का इस्तेमाल किया। याद रहे हमने इसके अंदर ना तो पानी का इस्तेमाल किया और ना ही दूध का इस्तेमाल किया, ये घी के साथ खुद ब खुद इस तरह डो की फॉर्म में ही आ गया। अब हम इस डो के गोलियां बनाएंगे और इसको खताई की शेप देंगे। ये हमारी खताइयों की जो डो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल लिया, इसको ग्रीस करेंगे बेकिंग ट्रे को। आप इसके अंदर हम पेपर लगाएंगे। अब जो हमने बेकिंग ट्रे है वो रेडी कर ली है। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, ये देखिए आटा मेरा गूंथकर तैयार हो गया, हम इसकी नॉर्मल साइज की गोलियां बनाएंगे। आपने इसको थोड़ा डिस्टेंस पे रखना है, जब ये बेक होंगे तो ये थोड़ा सा फूलेंगे। अब इसी तरह मैं सारी खताइयां बना लूंगी। ये मैंने इसको पहले से ही प्री हीट के लिए रख दिया है, मैं इसको 10 मिनट के लिए प्री हीट करूंगी। हम 1 अंडा लेंगे, अंडे के आपने सिर्फ जो है ना वो जर्दी इस्तेमाल करनी है। इसके लिए मैं वाइट जो है इसकी वो निकाल रही हूँ एक दफा मैं से। ये मैंने जर्दी ली है सिर्फ, जस्ट आप देख लें, और इसको हम थोड़ा सा बीट कर लेंगे। ये जस्ट हमने कलर के लिए इस्तेमाल करनी है। आपने सबके ऊपर लगा देना जी। मैंने सबको जो है एग की जर्दी वो मैंने लगा ली है, और मेरा ओवन जो है वो भी प्री हीट हो गया। चलिए अब हम ओवन में इसको रखेंगे और 15 मिनट के लिए इसको बेक करेंगे। अब मैंने ये 15 मिनट पकने के लिए, ये ऊपर से देखें मैंने 180 डिग्री किया है, और यहां से ऊपर नीचे दोनों साइडों से पकेगा
और ये 10 मिनट के लिए मैंने टाइमर सेट कर लिया। आफ्टर 15 मिनट्स, 15 मिनट हो गए। अच्छा आप ये देखिएगा कि मैंने इसे थोड़ा सा जो है ना वो डार्क कलर दिया, ये देखिए। इससे पहले मैं आपको लाइट कलर्स में सिखा चुकी हूं, इससे पहले मैं आपको लाइट कलर में बनाकर दिखा चुकी हूं। अभी हम चेक करते हैं, ये बहुत ही हॉट है, ये देखें। आप इस तरह इसको बनाकर, आप इसी तरह घर पे इसको बनाकर एयर टाइट जार में रख लें। मैं एक आपको तोड़कर दिखाती हूँ, और जब आपके कोई गेस्ट वगैरह आते हैं आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये देखे व्यूअर्स, आज की हमारी खलीफे की नान खताई जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको घर पे ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलें कि आज की आपको हमारी ये डिश कैसी लगी। इंशाल्लाह एक बार फिर नई डिश के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।